दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सीएम केजरीवाल से 5 फरवरी तक का मांगा जवाब। केजरीवाल ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा बोले, अपने बुने जाल में फंस गए केजरीवाल, क्राइम ब्रांच के घर पहुंचने पर वो भाग गए। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा बोले, केजरीवाल की झूठ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, कई बार झूठे आरोप लगाए। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा बोले, 5 समन के बावजूद ईडी से भाग रहे हैं केजरीवाल, साबित हो रहा घोटाले में इनका बड़ा हाथ है। दिल्ली की मंत्री आतिशी को भी क्राइम ब्रांच ने दिया नोटिस, बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप है। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर आतिशी ने की चर्चा, सीएम केजरीवाल के घर पहुंची मंत्री आतिशी, सांसद राघव चड्ढा भी मौजूद थे। आतिशी को नोटिस मिलने पर बोले बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, सच्चे और ईमानदार लोग डरते नहीं लड़ते हैं। उद्धव गुट की शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी बोली, बीजेपी को लोकसभा चुनाव की हकीकत पता चल गई, इसीलिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा। दिल्ली के किरौड़ी में सीएम केजरीवाल ने स्कूल की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी, स्कूल और हॉस्पिटल पर बजट का 40% खर्च करते हैं। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा मुझे जेल में भी डाल दोगे तो भी दिल्ली में स्कूल हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक्स बनेंगे। प्रोग्राम में सीएम केजरीवाल के खिलाफ हुई हूटिंग, केजरीवाल बोले हमारे प्रोग्राम में पहुंचकर विपक्षी दल के लोग ऐसे ही करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में किया रोड शो, सड़क के दोनों किनारे समर्थकों की भीड़ उमड़ी। पीएम ने असम को 11,000 करोड़ की दी सौगात, गुवाहाटी में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कई की रखी आधारशिला। गुवाहाटी में पीएम ने रैली को किया संबोधित, कहा आज असम में 12 मेडिकल कॉलेज। पीएम मोदी ने कहा हम विकास की नीति पर काम करते हैं, डबल इंजन की सरकार से असम में तेजी से हो रहा है विकास। सीएम हेमंता के असम की जनता को दिया भरोसा, कहा पीएम के नेतृत्व में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक बनाएंगे। सीएम हेमंता बोले ब्रह्मपुत्र नदी पर 9 पुल केवल पीएम मोदी की वजह से बने, पहले किसी ने नहीं सोचा था असम में आएगा एम्स। कांग्रेस की यात्रा के न्योते पर बोले अखिलेश यादव, कई बड़े इवेंट्स में नहीं मिला निमंत्रण, क्या अपने आप मांगे न्योता। अखिलेश के बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, यूपी में न्याय यात्रा का रूट 1-2 दिन में होगा फाइनल, अलायंस पार्टनर को देंगे जानकारी। जयराम रमेश बोले इंडी गठबंधन में कुल 27 दल, सभी के साथ सीट बंटवारे पर हो रही है बात। बीएसपी सांसद मलूक नागर बोले कांग्रेस पार्टी खुद कमजोर है, इसीलिए अलायंस पार्टनर एकजुट नहीं। मलूक नागर की दो टूक, कांग्रेस की वजह से देश में फिर बीजेपी बनाएगी अपनी सरकार, इसके नेता सनातन का करते हैं अपमान। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, टीएस सिंहदेव समेत कई नेता शामिल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की अपील, लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम को करें मजबूत, संसद में आपकी आवाज उठाएंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा बोले विकास कार्यों के लिए मिला मार्गदर्शन। न्याय यात्रा को लेकर बोले विजय सिन्हा, जो अपनी पार्टी में न्याय नहीं कर पाए वो कैसे किसी को न्याय देंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले बिहार में रोजगार बढ़ाने और कानून व्यवस्था स्थापित करने पर फोकस है। सम्राट चौधरी का बयान, तेजस्वी यादव को खेलने के लिए खिलौना जरूर देंगे, सारी फाइलें खोलेंगे। जयपुर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक, सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया हुए शामिल। बैठक के बाद बोले डिप्टी सीएम दिया कुमारी, राजस्थान में लोकसभा की सभी 25 सीटें जीतेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के घर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, सुरेश ने अलग देश बनाने की बात कही थी। डीके सुरेश बोले बीजेपी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, मैंने देश को बांटने की बात नहीं की। गोरखपुर में बोले यूपी सीएम योगी, युवाओं को नौकरी और सुरक्षा की गारंटी मिलेगी तो अच्छा करेंगे। लद्दाख के लेह में बड़ी संख्या में जुड़े स्थानीय लोग राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यूपी एटीएस ने सत्येंद्र सिवाल को किया अरेस्ट, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। बंगाल के नारायणपुर में एक सीमेंट गोदाम में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पाया काबू। पंजाब के जलंधर में अवैध हथियारों की तस्करी का खुलासा, 4 तस्कर अरेस्ट, 3 पिस्टल, 14 कारतूस बरामद। मुंबई में एक प्राइवेट यॉट में समंदर में गिरा शख्स, कोस्ट गार्ड के जवानों ने 3 घंटे में सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एमपी के दमोह में मामूली बात पर भिड़े 2 पक्ष, मुस्लिम लोगों ने कोतवाली का किया घेराव, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में हैंड ग्रेनेड बरामद, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने किया डिफ्यूज। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़, 2 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद। तेलंगाना के मेट्रल में फेक करेंसी फैक्ट्री का भांडाफोड़, कई मशीनें और नकली नोट बरामद। दिल्ली में खराब मौसम की मार, आईजीआई एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट कैंसिल, कई उड़ानों में देरी। हिमाचल के रोहतांग में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्नोफॉल, कोटरंका बुद्दल में बिछी बर्फ की सफेद चादर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी, दूसरी पारी में बनाए 104 रन। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को लगा झटका, स्लिप कैच पकड़ने के दौरान चोटिल हुए जो रूट। डेविस कप के डबल्स मुकाबले, भारत ने पाकिस्तान को हराया, प्लेऑफ में 3-0 की बनाई बढ़त, इस्लामाबाद में खिलाड़ियों ने बनाई जश्न।